हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। जो हम इसमें इलास्टिक डालेंगे उसके लिए हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये ऊपर फोल्ड होगा ये, और हमारे लिए माप है 44, तो 44 का हाफ होगा 22, 22 का हाफ होगा 11, तो हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। 11 इंच पे मार्क करेंगे। हम आसन 12 इंच लेंगे क्योंकि हम 1+ करते हैं, आसन के लिए प्लस 1 करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे, और मेरा पूरा मैनेजमेंट 2.5 इंच का है क्योंकि मैंने पहले मार्क कर लिया था। हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी हम 12 इंच कर लेंगे। अब हम इसका टोटल करेंगे, 13.5 है, 13.5 का हम हाफ करेंगे, 6.25 होगा। हमने इसका मिड निकाल लिया है। हमने ये लाइन ड्रॉ, हमने यहाँ पे हमने पैंट की लेंथ ले ली थी, पैंट की लेंथ थी 35, और ऊपर हमने 3 इंच प्लास्टिक का कर दिया, इसलिए -1 किया था हमने, और हमने लाइन ड्रॉ कर ली। जितना इसका मार्जिन था 6.25, 6.25 हमने यहाँ पे ले लिया है। पैंट की जो नीचे मोरी थी वो 8 इंच की थी, तो हमने 4 इंच इधर से, 4 इंच इधर से मार्क किया। और हमने ये स्केल आता है मार्केट में, अवेलेबल होता है, इस पैंट इससे हमने पैंट का निशान लगा दिया ऐसे कर लिया। और यहाँ से भी हमें गोलाई करनी होती है जिससे कि कोना ना दिखे। अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसकी कटिंग कर दी, अब हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 2 इंच का माप ले लिया है। हमने फ्रंट पैंट को बैक पैंट के ऊपर बिछा लिया है। अब हम इंची टेप से यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमने जो 2 इंच की मार्किंग ली थी ऐसी टेढ़ी कटिंग कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि क्योंकि जो हम बैठते हैं नीचे ना खिसके पैंट, इसलिए हम ये ऊपर का 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं पैंट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।